नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएल न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। एक और झटका आप सभी के लिए, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से ग्रीन क्रैकर्स को भी बैन कर दिया गया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। घोषणा के ऊपर घोषणा। सबसे पहले तो राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक घोषणा जारी की थी कि इस बार ग्रीन क्रैकर्स को ही अलाउ किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले ही WBPCB की तरफ से एक घोषणा आया था कि क्रैकर्स जलेंगे, हरे पटाखे को जलाना दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो न्यू ईयर हो, 2 घंटा के लिए। अब कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से एक और ऑर्डर कुछ घंटे पहले ही कि अब हरे पटाखों को भी बैन कर दिया जाएगा। हम सबको पता है कि 2 साल से हम सभी किस स्थिति से हम सभी गुजर रहे थे। अभी अभी तो हम सभी ने स्वाभाविक जीवन में लौटने की शुरू ही की थी, लेकिन अब फिर से बैन कर दिया जा रहा है। जो दुकान है, पहले तो ये ऑर्डर था सीपी की तरफ से, यानी कि कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से, कि ओपन सेल नहीं किया जाएगा क्रैकर्स को। जो बिक्रेता है, जो ये होलसेल से ही बिक्री कर रहे हैं क्रैकर्स, जितने भी जो स्टॉक किए थे ग्रीन क्रैकर्स, अब वो क्या करेंगे। उसके साथ साथ ही जो पब्लिक, जो जनता ने इस बार ये सोचा था कि इस बार पटाखों के साथ, धूम धड़ाके के साथ इस बार दिवाली मनाएंगे, क्योंकि 2 साल से तो कोविड सिचुएशन था, अब वो क्या करेंगे। क्या ऐसी नियम है, ऐसे नियम आएंगे कि उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि हम सब स्वाभाविक जीवन में लौट रहे हैं और पैसों की कमी तो अभी हम सभी को ही है। तो अब क्या होगा। हम यहाँ के जो होलसेल के जो ओनर है, जो क्रैकर्स दुकान के जो ओनर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बोल दिया है कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि अब ग्रीन क्रैकर्स भी बैन कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को कितना हानि होगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी स्टॉक करके रखा है। बहुत लॉस है हम लोगों को, तो हम लोगों के लिए कौन सोचता है। ग्रीन क्रैकर तो सोच के ही बनाया, पूरा साइंटिफिकली करके कि उसमें स्मोक का इमिशन लो होगा, कम धुआं होगा, लेकिन उसको कौन सोच रहा है। अभी तो मतलब ये तो एक तरफा हो गया। যারা সেল করেছেন, মানে আপনারা যতটা সেল করেছেন এখন তো গ্রিন ক্র্যাকারস, তো এখন সেটা বিক্রি হবে না, যেহেতু হাইকোর্ট না করে দিয়েছে, তো সেই পরিমাণে এখন তারা রিটার্ন করবে না, সেই বাজিগুলোকে নিজের কাছে রাখবে, সেই বিষয়ে আপনার কি? সেটা তো নিজের কাছেই রাখবে, কারণ এটা তো এক্সপায়ারি 3 মাস বা 6 মাস না, এটা টাইম থাকে, 2 বছর 3 বছর থাকে, আর গ্রিন ক্র্যাকারস সেগুলো থাকবে, আবার হবে সামনের বছর হবে, ঠিক আছে, এবছর না হলে আবার সামনের বছর। আমরা সুপ্রিম কোর্টে মুভ করছি, দেখা যাক। घाटा तो हो रहा है, लेकिन खाली हम लोग का बंगाल का ट्रेडर्स का घाटा हो रहा है, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी ऑल इंडिया तो पहले भी, लास्ट ईयर भी ठीक ही था, इस साल तो और अच्छा, इस साल तो राजस्थान भी बैन विड्रॉ कर लिया, तो खाली बंगाल का ट्रेडर को घाटा हो रहा है, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर दिवाली नहीं है, बोले नहीं, मैंने न्यू ईयर कोनो बाजी छठ पूजा न्यू ईयर कोनोटाई हबे ना, हां, तो सेई विषय पुरोटाई तो बंद ये वर्ष तो एकदम ही बंद ना होले यार की हबे। এখন আমরা তাও মুভ করছি সুপ্রিম কোর্টে, দেখি লাস্ট একটা হোপ আছে আমাদের, যেটা রাইট আছে। কারণ গ্রিন ক্র্যাকার তো যারা প্রোডাকশন করছে তাদের সেল করার পারমিশন আছে, হ্যাঁ, রাইট টু বিজনেসে তাদের আছে, তো তারা সেই হিসেবে কেন সেল করতে পারবে না। হাইকোর্টের এই নির্দেশিকা জারি হওয়ার পরে আপনারা সুপ্রিম কোর্টে মুভ করছেন? হ্যাঁ, মুভ করছেন, মানে আমাদের কলকাতা থেকে, সংগঠন থেকে করছে, কলকাতা সংগঠন। হ্যাঁ, আপনারা জানতে পারবেন, দেখি কী হবে। बैंड करना तो ठीक ही है, क्या कि कोविड पेशेंट के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए अभी तो बंद करना जरूरी है, लेकिन ये बिजनेसमैन लोगों को थोड़ा बचना है, उसके लिए भी थोड़ा देखना है। व्यवसायी पक्षे एटा खूब ही इफेक्ट है, खूब ही इफेक्ट हो जाए, जरा एटार ऊपर डिपेंड कर आज तर पक्षे खूब ही समस्या है, ये ठीक।
তবে কোভিড বিধি ইয়ে করতে গেলে তো কোভিড পেশেন্টদের বাঁচাতে গেলে কিছুটা কন্ট্রোল করা দরকার, তবে একদম বন্ধ না করে একটু আটকাতে পারত, একটু কন্ট্রোল করলে ভালোই হতো, কিছুটা ছাড় দিতে পারত। এখন মহামান্য কোর্টের উপর তো আমাদের কিছু বলার নেই, কেউ কিছু বলতে পারবে না। अच्छा ये बोलो कि क्या बाहर पटाखा फोड़ना कितना अच्छा लगता है? कोरोना पटाखा फोड़ना, पटाखा फोड़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लेकिन इस बार तो हाईकोर्ट ने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। इस बार नहीं फटाएगा, नहीं फटाएगा, अगले साल फटाओ। लोग क्या घूमेंगे? और इस बार तो अभी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अभी पटाखों को बैन कर दिया जाएगा, इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ठीक ही हो जाती है। आपके हिसाब से ठीक ही किया? हाँ। आपका नाम? पंकज कुमार थे। आपका नाम? सरोमा बर्मन सरकार। आप दिवाली शॉपिंग करके आ रही है? नहीं, घूम के आए। अच्छा, दिवाली में आपका क्या प्लान है? दिवाली वाली में बाती उती धराएंगे, पूजा करेंगे। अच्छा, इस बार तो अभी हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इस बार पटाखों को फिर से अलाउ नहीं कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। हाँ। ग्रीन क्रैकर्स भी अलाउ नहीं करेंगे। हाँ। इस बारे में आपका क्या कहना है? पटाखों को तो बैन करना ही चाहिए, करना चाहिए। हाँ। आपका क्या प्रतिक्रिया? मेरा भी वही रहा है। आपका नाम? हाँ। मेरा नाम अनिता वर्मन। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक को विराज। अच्छा, इस बार दिवाली कैसे मनाएंगे, कैसे सोचा है? हम लोग क्या सोचेगा, कमाई करना है और क्या। वही तो, कोरोना से तो दो साल तो ऐसे स्थिति अगले साल तो खराब गया, अभी इस साल में देखेगा क्या होगा। अच्छा, तो इस बार तो ऊपर से कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस बार एकदम धूम धड़ाका पटाखे जलाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि पटाखों को भी बैन कर दिया जाए इस बार। अभी जिसका दिमाग है नहीं जलाएगा, जिसका नहीं है वो नहीं जलाएगा, जो अच्छा सोचता है वो नहीं जलाएगा। क्या अच्छा सोचता है आदमी? जो सोचता है जो नहीं जलाएगा पटाखा, अच्छा होगा कि ये सरकार से मना है, नहीं जलाएगा। जो नहीं जलाएगा उसका तो जो नहीं मानेगा वो तो नहीं जलाएगा ना। आपका नाम? प्रियंका मुंडू। आप लग रहे कि आप शॉपिंग करके आ रहे हैं दिवाली का, तो कैसे मनाने का आपने सोचा है? इस बार अच्छे से मनाने का सोचा, अगली बार तो अच्छे से मना नहीं पाए तो इस बार थोड़ा अच्छे से मनाएंगे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है पटाखा को बैन करने की। हम पटाखा यूज़ ही नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कपड़े वपड़े दे के फिर दिवाली में लाइट लाइट जला के ये सब से ही करेंगे, पटाखा जलेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। ठीक है, मेरे हिसाब से यही करना चाहिए, बैन होना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आपका देखना, अभी हमने सभी लोगों की बातें आप सभी के समक्ष रखी कि होलसेल की दुकान पटाखा जो बिक्री करते हैं उनका जो बाइट हमने सुनाया, उन्होंने क्या कहा, उसके साथ साथ ही जनता की बाइट। और इस बार जनता पटाखों को लेकर कुछ नेगेटिव ही नहीं सोच रहे हैं, वही खुद इस बार तो जनता खुद सोच रहे हैं कि इस बार अच्छा हुआ कि पटाखा को बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने आप सभी को दिखाया कि दिया का कैसे किस तरह से बिक्री हो रहा है, उसके साथ साथ ही लाइट्स का किस तरह से बिक्री हो रहा है, और पहले भी हमने आपको दिखाया कि ग्रीन क्रैकर्स यानी कि हरे पटाखे मार्केट में अब कितना पकड़ ले चुकी है, लोग कितना खरीद रहे हैं ग्रीन क्रैकर्स को, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन अभी जब कलकत्ता हाईकोर्ट से ऑर्डर आया है कि ग्रीन पटाखों यानी ये हरे पटाखों को बैन कर दिया जाए, तो जब हमने जनता से पूछा तो जनता ने भी यही कहा कि पटाखा को बैन किया गया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ही जब हम क्रैकर्स विक्रेता यानी कि पटाखे विक्रेता से हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि ग्रीन क्रैकर्स तो पहले ही लाइसेंस दिया गया है इसको बनाने में, इसको परखने के बाद ही तो ये मार्केट में आया है, उसके बावजूद हाईकोर्ट ने ये घोषणा किया है। ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNN न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।